हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर है एयर वो कंटिन्यू रहेगा। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि एयर के अंदर कौन सी गैसेज कितनी उनकी परसेंटेज है, उसी को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेयर्स के बारे में। आवर एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इन टू फाइव लेयर्स। हमारा जो एटमोसफेयर है वो फाइव लेयर्स में डिवाइडेड है। ओके, विच स्टार्ट फ्रॉम अर्थ सर्फेस, यानी अर्थ सर्फेस से ही जो लेयर्स हैं उनकी अलग अलग जो लेयर्स हैं वो बनती चली जाती हैं। ऑल लेयर्स आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज। तो बेटा जो भी लेयर्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर हमारे एटमोसफेयर की, वो सारी हमारी अलग अलग वेज से जो हमारे लिए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो फर्स्ट लेयर इज एक्सोस्फियर। ठीक है, हम सबसे जो है सबसे जो ऊपर वाली लेयर है वहां से स्टार्ट करेंगे रीड करना। फर्स्ट इज एक्सोस्फियर। एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब तो होता है कि बाहरी जो लेयर है, सबसे एग्जिट, एग्जिट यानी एक तरह से बाहर निकल जाना। यानी यहाँ पर एक्सोस्फियर का मतलब क्या है कि जो लास्ट की लेयर है उसके बाद कोई लेयर नहीं है। ठीक है, दैट इज द एक्सोस्फियर। ओके, तो ये लेयर क्या है? एक्सोस्फियर है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फियर। यानी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, दैट इज नोन एज द एक्सोस्फियर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन टू द स्पेस फ्रॉम हेयर। बेटा ये जो लेयर है एक्सोस्फियर, इसमें जो है बहुत लाइट गैसेज जो है लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, वो क्या करती हैं? वो फ्लोट करती हैं स्पेस के अंदर। आपने देखा है बेटा कि जब आप बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करते हो तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है कि वो एयर से हल्की होती है। और ये जो हल्की गैसें हैं इसलिए ये सबसे ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि ये एयर से भी हल्की गैसेज हैं। ओके, तो जो जहां पर ये हल्की गैसेज लाइट गैसेज रहती हैं इसको हम क्या कहते हैं? उस लेयर को हम एक्सोस्फियर कहते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकेंड। सेकेंड इज थर्मोस्फियर। अब देखिए थर्मो का मतलब क्या है यहाँ पे? इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर, थर्म का मतलब होता है हीट। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? थर्मोस्फियर। आयनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस पार्ट सेकेंड लेयर का एक पार्ट है आयनोस्फियर। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। तो ये जो है 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। एंड दिस लेयर इज यूज फॉर द यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो बेटा जो वायरलेस जो ये लेयर है ये किस लिए यूज होती है? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी लाइक जो मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, ये सब जो चलते हैं दे ऑल आर ड्यू टू द आयनोस्फियर। ठीक है, इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो सिग्नल्स जो है अर्थ से भेजे जाते हैं वो टकरा के और वापिस आते हैं। ओके, जिसके कारण ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये फंक्शन करते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, ये सब कौन सी लेयर के कारण वर्क करते हैं? ड्यू टू द थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर में भी उसका पार्ट जो है वो क्या है? आयनोस्फियर में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड वन इज मीजोस्फियर। ओके, तो ये हमारी थर्ड हो जाएगी मीजोस्फियर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। इट लाइज अबो द स्ट्रेटोस्फियर। तो ये किसके अबो है? ये स्ट्रेटोस्फियर है हमारी। ये फोर्थ वन है स्ट्रेटोस्फियर। एंड फिफ्थ वन होगी हमारी ट्रोपोस्फियर। तो ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो है लाई करती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। तो बेटा ये कितने किलोमीटर तक है? अबाउट 80 किलोमीटर। मेट्योराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और बेटा जब स्पेस से मेट्योराइट्स जो हैं वो इसके अंदर एंटर करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो जो मेट्योराइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। अब देखिए अबव द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर हमारी लोवेस्ट लेयर है, उसके अबव क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। अबव द स्ट्रेटोस्फियर, सॉरी अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। सो अप टू 50 किलोमीटर ये एक्सटेंड करती है। एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स।
सो इस लेयर में क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसके अंदर क्लाउड्स या वेदर फिनोमिना जो है वो कोई भी नहीं होता, मौसम संबंधी कोई भी जो है यहाँ पर फिनोमिना नहीं होता, ये उससे फ्री होती है और इसीलिए ये लेयर आइडियल है फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ओके, अब आपसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्लाइंग एरोप्लेन्स जो है, फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स कौन सी लेयर जो है वो सूटेबल है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब बेटा आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा ओजोन गैस के बारे में कि जो ये लेयर है इसके अंदर ओजोन गैस होती है। अब ये ओजोन गैस हमारे लिए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कैसे, कि जो रेज होती हैं सन रेज वो उनके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, और ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमें उन हार्मफुल रेज से। ठीक है, सो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सो सन रेज से ये हमें क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन इज ट्रोपोस्फीयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है इसकी, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड द एयर वी ब्रीद एग्जिस्ट हेयर। तो जो हम सांस लेते हैं वो एयर जो है वो इसमें एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फोग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। तो जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं, मौसम संबंधी जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक रेनफॉल होती है, फोग है या हेल स्टॉर्म है, तूफान आता है, वो सब बेटा किसके कारण होता है, ट्रोपोस्फीयर जो है लेयर में होता है। ठीक है, सो आई होप बेटा आपको ये फाइव लेयर्स और उनका फंक्शंस क्लियर है कि उनमें क्या क्या जो है कंडीशंस हैं जो उसमें हम एक तरह से वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, ये आप सब यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसमें लाइट गैसेस होती हैं, थर्मोस्फीयर में जो है वायरलेस कम्युनिकेशंस होता है, मीजोस्फीयर में जो मेट्रोराइट्स हैं वो बर्न कर जाती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो फोर फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए आइडियल है, एंड ट्रोपोस्फीयर हम सांस लेते हैं। ओके, और वेदर कंडीशंस जो होती हैं, वेदर फिनोमिना वो सभी इसमें होती हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ एटमोसफियर रिलेटेड टू द पिक्चर्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये जो हमें पिक्चर्स गिवन है ये कौन सी लेयर में होती हैं। सो फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन कौन सी लेयर बेटा, जिसमें हमने फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स आइडियल है लेयर वो हमने पढ़ा था, दैट इज द स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे, या तो आप डायग्राम बना लीजिए या आप जो पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखिए, मेट्योराइट्स जो है वो कौन सी लेयर में बेटा क्या बर्न कर जाती हैं, हमने पढ़ा था दैट इज इन मीजोस्फीयर। ओके, तो सेकेंड का आंसर आप लिख दीजिए मीजोस्फीयर, आप ऊपर से भी लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड हो जाएगा मीजोस्फीयर, ये हमने पढ़ा था ना बेटा, यहाँ से देखिए मेट्योराइट्स बर्न अप। ओके, तो ये क्या है, मीजोस्फीयर। नेक्स्ट करते हैं, तो बेटा ये जो है जिसमें रेडियो और जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है दैट इज द थर्मोस्फीयर। थर्ड का आंसर लिखेंगे आप थर्मो, ठीक है, थर्मोस्फीयर, SPHEER, ठीक है, थर्मोस्फीयर। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे वेदर फिनोमिना किस लेयर में होते हैं, दे ऑल अकर इन ट्रोपोस्फीयर। तो बेटा फोर्थ का आंसर, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए ये हम क्वेश्चन नंबर वन इसको लिख रहे हैं, व्हाई ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ डिस्क्राइब। तो बेटा ओजोन लेयर जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखना है। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ओजोन लेयर, यहाँ से ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे। सो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट से सन रेज की, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन जो हमने लिखा था उसका आंसर लिख लीजिए ओजोन लेयर से। तो ये थी बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।